हवा में लहराते तिरंगे, भारत माता का जयघोष, भक्ति गीतों की धुन के बीच नाचते गाते लोग, चौतरफा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग सा गया। जहाँ से भी जयघोष करते हुए लोग, बच्चे और युवा गुजरे, वहाँ खड़ा हर शख्स एक टक सा देखता रह गया, और वे भी छात्रों, युवाओं व अन्य लोगों के साथ देशभक्ति के जयकारे लगाने लग गए। साथ ही डीजे पर बजते भक्ति गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। यह कार्यक्रम था राजसमंद जिला मुख्यालय के पास केलवा गांव का। जी हां, केलवा में रूपालो केलवा, रूपालो भारत व मोहन कन्हैया ट्रस्ट की पहल पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान पूरा केलवा कस्बा देशभक्ति के रंग में डूब गया, और जिस जिस जगह से तिरंगा यात्रा आगे बढ़ी, वहाँ के लोगों में देशभक्ति का जोश भर गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत से पूर्व कस्बे के गर्ल्स स्कूल में संत निर्मल राम के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माता की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही विद्यार्थियों व कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्र के प्रति दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने, पर्यावरण व स्वच्छता के प्रति सजग रहने तथा प्लास्टिक व पॉलीथीन मुक्त राष्ट्र बनाने की शपथ संत निर्मल राम के द्वारा दिलवाई गई। प्रारंभ में स्वागत मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी महेंद्र कोठारी, विकास बालाजी केलवा ने किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली स्कूल से रवाना होकर चारणा की खाली, सदर बाजार, छतरी चौक, दोली बावड़ी, खटीक मोहल्ला, रामपोल, रेगर मोहल्ला, राधा कृष्ण जल मंदिर, सूरज पोल व भिक्षु विहार रोड होकर वापस गर्ल्स स्कूल केलवा पहुंचकर संपन्न हो गई। युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के उद्देश्य से केलवा कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसकी आप देख सकते हैं यह भव्य नज़ारा और किस तरह से देशभक्ति के जयकारे लगाए जा रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवा से यह यात्रा रवाना हुई, जो पूरे केलवा कस्बे के सभी गलियों से यह गुजरी है। हम अब बात करते हैं यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, ग्रामवासी, उनका क्या कहना है। तिरंगे को 75 साल हो गया है, हम गांव में रैली निकाल रहे हैं। हम राजसमंद केलवा का निवासी भरत सेन गांव में रैली निकाल रहे हैं। हम बड़ी स्कूल मॉडल स्कूल सब आए हैं, हम नारे लगा रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में अपन हम सब और पूरा देश मना रहा है। केलवा ग्राम में भी हम सभी लोगों ने ये एक निर्णय किया कि केलवा में एक तिरंगा, भव्य तिरंगा यात्रा होनी चाहिए। मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रकल्प है, रूपाड़ो भारत रूपाड़ो केलवा, उसके प्रकल्प के तहत संपूर्ण केलवा गांव में बच्चों के साथ, अनेक संगठनों के, महिलाओं पुरुषों के साथ, अनेक प्रमुख नागरिक बंधुओं के साथ और स्कूल के बच्चों बच्चों के साथ में हम ये तिरंगा, भव्य तिरंगा रैली कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने भी 13 तारीख से 15 तारीख तक जो एक आह्वान किया है कि हर घर घर में और हर ऑफिस में तिरंगा लहराया जाए, उसी के तहत हम एक जन जागरण पैदा कर रहे हैं कि तिरंगे के प्रति और देश की राष्ट्रीयता के प्रति लोगों की भावना बढ़े, उसके लिए हम सभी केलवावासी मिलकर तिरंगा यात्रा निकाल के ये कार्य कर रहे हैं। रैली में सबसे आगे डीजे पर भक्ति गीतों के तराने गूंज रहे थे और वाहन पर तिरंगे लहरा रहे थे। इसके बाद ठेले में भारत माता की आकर्षक झांकी चल रही थी। साथ ही विद्यार्थी भारत माता के साथ ही क्रांतिकारियों की वेशभूषा में रैली की शोभा बढ़ा रहे थे, जबकि रैली का मुख्य आकर्षण 75 फीट लंबा तिरंगा झंडा रहा। इसे विद्यार्थियों ने हाथों में सिर के ऊपर उठा रखा था। डीजे पर बज रहे देशभक्ति के गीतों पर युवा देशभक्ति के भावों में डूबकर नृत्य करते हुए चल रहे थे। वहीं विद्यार्थी भी हाथों में बड़े तिरंगे झंडों के साथ ही छोटी छोटी झंडियां लेकर पूरे उत्साह के साथ देशभक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। विद्यार्थियों व शिक्षकों के द्वारा वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राणा प्रताप की, जय सेवा सरदार की एवं वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे भी गुंजायमान करते हुए काफ़ी उत्साहित और उल्लासित नजर आ रहे थे। रैली का मार्ग में कई जगहों पर कस्बे के लोगों ने पुष्प वर्षा करके और विद्यार्थियों के साथ देशभक्ति के नारे लगाकर स्वागत किया।
इसके साथ ही विभिन्न संगठनों की ओर से मार्ग में कई जगह पर पेयजल आदि की सेवा भी की गई। रैली के वापस स्कूल पहुंचने पर राष्ट्रगान के साथ ही इसका समापन हो गया। अंत में आभार मोहन कन्हैया ट्रस्ट के कोठारी ने जताया, वहीं संचालन कार्यक्रम के संयोजक महेंद्र कोठारी अपेक्ष ने किया। आज जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जो युवाओं को आह्वान किया है, आम जनता को आह्वान किया है कि राष्ट्रभक्ति चेतना का भाव हर युवा में जगे और हर युवा में एक ऐसा जोश भरा गया है और हर युवा आगे आकर अपनी भूमिका अदा कर रहा है, भारत माता की सेवा में समर्पित भावों को लेकर अपने आप को भारत माता की सेवा में न्योछावर करने के लिए तैयार है, यही माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है। ये तिरंगा हमारे दिल और हमारे प्राण का एक स्थान है, इसीलिए इसी तिरंगा को महान बनाते हुए हम हर युवा और हर जन इस बार तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रही है। आज हम देखते हैं कि विदेश में हमारा तिरंगा यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी हमारा तिरंगा जहाँ खड़ा हो गया वहाँ का युद्ध थम गया और हमारे वहाँ के जो छात्र थे उन छात्रों को सुरक्षित अपने यथास्थान निकाला गया। ये तिरंगे की महानता है, ये तिरंगे की उपमा है, इसलिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। पूरे भारत में जोश खरोश युवा लगे हुए हैं, एक ही भाव, भारत माता की जय। इस रैली में कस्बे के श्रीमती फूली देवी अंशुल बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवा, संगीता बाल निकेतन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक केलवा, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय दोली बावड़ी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, विद्या निकेतन विद्यालय, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के साथ ही सभी राजकीय व निजी स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। वहीं स्वच्छ केलवा, हरित केलवा व्यापार मंडल के साथ ही विभिन्न संस्थाओं ने भी तिरंगा यात्रा में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। तिरंगा यात्रा में पूर्व सरपंच दिग्विजय सिंह राठौड़, केलवा थाना प्रभारी शंभू सिंह सक्तावत, मुकेश भार्गव, कार्यक्रम के सह संयोजक सुरेश सोनी, मनीष पालीवाल, मुकेश कोठारी, कमलेश पालीवाल, अनिल पालीवाल, प्रिंस कोठारी, विनोद पालीवाल, कैलाश जोशी, बाबूलाल कोठारी, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट, महासचिव सुनील जोशी, गणेश पालीवाल, महेंद्र सिंह चौहान, संजय पालीवाल, प्रधानाचार्य मांगीलाल तेली, मदन पालीवाल, भरत पालीवाल, राजू सांवरिया, कमलेश प्रजापत, राहुल जैन, राजकुमार पालीवाल, कांति कोठारी, प्रकाश चपलोत, दिनेश कोठारी, नरेंद्र बोहरा, मनोज कोठारी, अनिल कोठारी, खुशहाल बोहरा, ललित बोहरा, विकास बोहरा, सोनू सिंगर, सत्यनारायण पालीवाल, तिलकेश पालीवाल, मुकेश पाराशर, सुरेश सांकला, देवीलाल साहू, सतीश आचार्य, करण सिंह राव, मुरारी आसिया, सुमित सांकला, विनोद जोशी, लालू राम सिंदल, रमेश बोराना, विष्णु सोलंकी, रमेश दोवड़ा, नानालाल सिंदुल, देवीलाल देवड़ा, दिनेश गहलोत, गिरिराज सिंह चौहान, संजय सांवरिया, जितेंद्र महात्मा, हंसराज माली, राहुल पालीवाल, राजीव लोचन, अनिल खटीक, अशोक माली, हरीश साहू, शंभू माली एवं राधा कृष्ण महिला मंडल व तेरापंथ महिला मंडल केलवा की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, लोगों में देशभक्ति की भावना जागे, हम यहाँ की देख सकते हैं, आप बच्चियाँ जो गुजर रही है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना। ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसको क्या जैसे देशभक्ति का संदेश? हमें बहुत अच्छा लग रहा है हम यहाँ पे आए। आप कुछ बोलेंगे? जय जवान जय किसान। ये जैसा देखा बच्चों में किस तरह से देशभक्ति के प्रति उत्साह है और वो भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं, तिरंगा और देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं। बात करते कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, रास्ता खुला रखनी चाहिए। कचरा इधर डस्टबिन में डालना चाहिए, हमें पॉलिथीन डालनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गंदगी ना करें और साफ सफाई रखें और अपने देश के प्रति और प्रेम रखें और अपने घर घर में तिरंगा लगाएं। हम यही कहना चाहेंगे आप सब स्वच्छ रहे और स्वच्छ रहने दें। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की। हमें गर्व है कि हम इस केलवा के निवासी हैं। धन्यवाद। महेंद्र जी क्या
संदेश जा रहा है लोगों में किस तरह से देशभक्ति के प्रति? इस तरह की रैली का आयोजन करना, देश में जागरूकता फैलाना, अपने देश के प्रति प्रेम जो आजकल कम होता जा रहा है युवाओं में, उसको और बढ़ाना है, और इस तरह की रैली के माध्यम से बच्चों में मोदी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आरुषि साकला। अतिथिगण पधारे, जितने भी लोगों ने अपना श्रम देके इस कार्यक्रम को सफल बनाया उन सभी के प्रति भी हार्दिक आभार। इस रैली के संयोजक महेंद्र जी कोठारी अध्यक्ष, मुकेश जी भार्गव एवं टीम के सुरेश जी सोनी, कमलेश जी पालीवाल, अनिल जी पालीवाल एवं अनेक कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं रुपाड़ो भारत रुपाड़ो केलवा की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।